आज हम बात करने वाले हैं मेडिसैलिक क्रीम के बारे में। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग वेब ब्लॉग में। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो मेडिसैलिक क्रीम होती है उसको किन किन को लोगों को यूज़ करना चाहिए, इसकी क्या MRP रहती है और इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा साल्ट प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर कौन कौन से और कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेडिसैलिक क्रीम होती है, जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम होती है उसको कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो आपकी जो मेडिसैलिक क्रीम है, जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम होती है, इसको टर्क्यू कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसको टर्क्यू कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम है उसके अंदर और कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर और कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं जिससे ये मिलकर बनाई जाती है। तो हमारी जो मेडिसैलिक क्रीम है उसके अंदर दो साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसको दो और मेन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। पहला हमारा होता है इसमें क्लोबिटासोल प्रोपिनेट, दूसरा हमारा इसके अंदर होता है सैलिसिलिक एसिड, जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम जो ऑइंटमेंट है उसको दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। पहला हमारा होता है यहाँ पे क्लोबिटासोल प्रोपिनेट, दूसरा इसके अंदर आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। अब बात करेंगे कि ये हमारे अंदर जो दो साल्ट इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो इसके अंदर कितनी कितनी मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपिनेट होता है इसके अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कितना इसके अंदर पाया जाता है। तो आप जो हमारे इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपिनेट इसके अंदर होता है वो इसके अंदर 0.05% इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पाया जाता है। जो हमारा क्लोबिटासोल प्रोपिनेट इसके अंदर होता है वो 0.05% इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर जो हमारा पाया जाता है वो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि इसके अंदर 3% के रूप में पाया जाता है। जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है वो इसके अंदर 3% इसके अंदर होता है। क्लोबिटासोल इसके अंदर 0.05% होता है और सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर 3% इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं कि जो मेडिसैलिक क्रीम है, जो मेडिसैलिक ऑइंटमेंट है, वो कौन कौन से लोग इसको लगा सकते हैं, कौन कौन से लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह क्रीम किन लोगों को लगानी चाहिए, इस क्रीम का हमें क्या यूज होता है। तो मेडिसैलिक क्रीम का यूज हम जो हमारे चेहरों पर झाइयाँ आ जाती हैं, जो हमारे चेहरे पर काले घेरे आ जाते हैं, जो चेहरे पर हमारे मुहासे और जो एक्जिमा वगैरह हो जाता है, उन सभी को हटाने का ये काम करता है। जो हमारी त्वचा पर, जो हमारी चेहरे की त्वचा होती है उसको, जो मृत त्वचा होती है, जहाँ पे हमारे मृत त्वचा होगी, मतलब कि जैसे कि काले घेरे हो गए, या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्मियों में पपड़ी जम जाती है हमारे चेहरों पे, हल्की सी वाइट लेयर जैसी बन जाती है, तो वह ये क्रीम उस वाइट लेयर को भी हटाने का कार्य करता है। चेहरे पे जो पपड़ी जम जाती है उस पपड़ी को ये हटाने का काम करता है। मेन सैलिसिलिक जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उसका मेन कार्य हमारा यही होता है कि हमारी चेहरे पे जो खुजली हो गई है, जो लालिमा या फिर सूजन जो हो गई है उसको ये हटाने का काम करता है, जो एक्जिमा हो गई है उसको ये कम करने का कार्य करता है। अब बात करेंगे कि मेडिसैलिक क्रीम का यूज किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बात करें कि जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम है वह यह क्रीम किन किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। तो मेडिसैलिक क्रीम उन लोगों को नहीं लगानी चाहिए जिन लोगों को इसको कोई भी क्रीम लगाने के बाद एलर्जी हो जाती है, या फिर चेहरे पे ज़्यादा दाने निकल जाते हैं, या फिर ज़्यादा खुजली लगना महसूस होता है, तो यह उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए जिसको ये जैसी समस्या बनी रहती है खुजली उजली की। अब बात करते हैं कि ये मेडिसैलिक क्रीम होती है उसका हमें यूज़ कैसे करना है, जो हमारी मेडिसैलिक क्रीम है उसका हमें प्रयोग कैसे करना है। तो मेडिसैलिक क्रीम का यूज़ करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है नॉर्मल वाटर से, जो आपके घर में जो सिंपल पानी आता है उसको आप अच्छे से पानी से धो लेंगे, पानी से साफ कर लेंगे। उसके बाद
अपने दोनों हाथों पर थोड़ा थोड़ी सी मात्रा में इसको ले लेंगे और अपने जहाँ जहाँ पर आपको खुजली, एक्जिमा या फिर सूजन जैसी समस्या बने रह रही है वहाँ पर इनको इसको आप यूज करना है। और यूज करने के बाद इसको फिर से नॉर्मल सिंपल पानी से इसको धो लेना है, इसको आप साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसको हमें क्रीम को कब लगानी चाहिए। तो कोई भी ऑइंटमेंट हुआ, कोई भी आपका स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ, उसको आप जितना नाइट में लगाएंगे उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये किसी को धूप में आने के कारण ही एलर्जी हो जाती है, तो ये उनसे भी बचाव रखता है। अब बात करते हैं कि मेडिसेलिक क्रीम यूज करने के बाद हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलती है। तो मेडिसेलिक क्रीम यूज करने के बाद आपका जो स्किन होती है वो फेयरनेस होती है, वो आपको ज़्यादा थोड़ी सी ग्लो लाने का ये काम करती है, जो आपके चेहरे पे खुजली हो गई है, लाली कम हो गई, उसको भी कम करने का कार्य करता है। तो आज हमने जाना मेडिसेलिक क्रीम के यूज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसके बारे में हमने बात की। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें बताएं कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लेके आएँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।